हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका की व्यवस्था, संरचना, कार्य, संगठन, इन सब के बारे में। आप चार वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम जो पिछले तीन वीडियो में हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज़ करेंगे, साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो हमारी न्याय व्यवस्था से बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, पार्ट 5 जो है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, संरचना और उसके कार्य के नाम से ये पार्ट हैं। चार वीडियो से आप इस पार्ट को समझ रहे हैं। लास्ट ये वीडियो है इस पार्ट को लेकर। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे अगले वाले लेसन की, जो है जो यूनिट फर्स्ट है उनमें से है स्वतंत्रता और समानता के नाम से। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपने जब फर्स्ट वाला वीडियो देखा था तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। ये ब्रिटिश जो सरकार थी उसके माध्यम से लाया गया था भारतीयों पर कंट्रोल, उन पर रेगुलेटिंग करने के लिए। 1773 में पहली बार ब्रिटिश यानी कि भारत के जो भारतीयों के लिए जो नियम बनाए गए थे, तो कानून बनाए गए थे, उसको कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लंदन से ये बनाया गया था, ब्रिटेन के माध्यम से, ब्रिटेन से पास होकर भारत पर, क्योंकि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, इस वजह से क्या है ये ब्रिटेन से बनकर आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी, पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई थी, यानी कि संघीय न्याय व्यवस्था की पहली बार इसमें बात की गई थी। और इसमें जो न्यायाधीश थे 3+1 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। भारतीय न्यायाधीश नहीं बन सकते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, अंग्रेजों को ही इसमें बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। उसके बाद में 1935 का जो अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी पहली बार। ये आप पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं सब वीडियो के माध्यम से। तो इसमें भी 7+1+7 न्यायाधीश की बात की गई थी, 7 एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश की बात की गई थी। 1935 का जो अधिनियम था ये संघीय न्यायालय की बात तो करता है, लेकिन इसमें अभी भी क्या प्रीवी काउंसिल थी उसमें अपील नहीं की जा सकती थी। ये एक तरीके से ये फेडरल कोर्ट था, न कि स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय था। जो वर्तमान का हमारा न्यायालय है वो 28 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आया, 28 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हुआ था, आपको पता है, और उसके 2 दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई थी। और इसमें जो न्यायाधीश बने थे वो 7+1 यानी कि टोटल 8 न्यायाधीश इसमें रखे गए थे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि भारत में जो न्यायाधीश होंगे 7+1 होंगे, यानी कि 8 न्यायाधीश होंगे। ये अभी भी वर्तमान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, यानी कि 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 1+30 यानी कि 1+30 यानी कि 31 न्यायाधीश अभी वर्तमान में। कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नहीं बन चुकी है, बनी है। मीरा साहब, फातिमा बीबी और जो ज्ञानसुधा मिश्र हैं, इसके साथ रंजन प्रकाश देसाई, ये वे महिलाएं हैं जो अन्य न्यायाधीशों की श्रेणी में हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश अभी तक एक भी महिला नहीं बनी है। तो ये कुछ बातें थीं जो आपने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इस वीडियो में जानी। ये सब बातें हम पिछले वाली वीडियो से जान चुके हैं। तो अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और कुछ रिविज़न करते हैं इनका। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता है, यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। ये मोटा मोटा अपन रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। जो पहली योग्यता है वो क्या है, फर्स्ट आपको पता है कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त करने की जो पहली शर्त है भारत की, वो मतलब हमारे संविधान में जो बताई गई है वो है भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, न्यायाधीश बनने की बात हो रही है, संसद का सदस्य बनने की योग्यता अलग है, न्यायाधीश बनने की बात अलग है।
किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, वह व्यक्ति क्या है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, यानी कि 10 साल तक उसने वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो। या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। ये दो बातें हैं, इनके आधार पर अभी तक किसी, ये जो दो बातें हैं इनके आधार पर किसी को न्यायाधीश नहीं बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया, अन्य न्यायाधीश तो बनाया जा चुका है। और ये तीसरी जो शर्त है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, इसके आधार पर तो एक बार भी किसी को नहीं बनाया गया है। ये केवल बोलने के लिए कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। न्यायाधीशों की जो न्यूनतम उम्र है इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया संविधान में, कितनी उम्र होनी चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए, न्यूनतम उम्र के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, जो अधिकतम उम्र है उसके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियुक्ति न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त होने पर वरिष्ठ, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में कॉलेजियम की व्यवस्था की गई है, आपको पता है कॉलेजियम चयन मंडल है, इसके माध्यम से जो जज का पद रिक्त होने पर क्या है, जो कानून मंत्री उसको अवगत कराया जाता है, कानून मंत्री जो विधि मंत्रालय उनका अवगत कराता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करनी है, फिर उसके बाद में नए जजों को नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की सिफारिशों को मानना अनिवार्य किया गया है, आपको पता है मुख्य 98वां संविधान, इसके संबंध में जो विधि, राष्ट्रीय विधि आयोग है उसका गठन किया गया है, ये सारी बातें आपने जानी थी। नियुक्ति हो गई, यानी कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे। अब बात करते हैं शपथ की। शपथ, सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश में शामिल है सभी न्यायाधीश, संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा आस्था की शपथ लेते हैं और इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। सभी न्यायाधीश जो राष्ट्रपति दिलाते हैं और जो न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा यानी सीजेआई होगा, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे और अन्य न्यायाधीश जो हैं उनको मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। सभी न्यायाधीश संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा आस्था इनकी शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति सच्ची आस्था निष्ठा बनाए रखने की शपथ सभी न्यायाधीश लेते हैं। अब ये तो शपथ भी हो गई, नियुक्ति भी हो गई, अब इनको हटाएं कैसे, हटाने के बारे में भी व्यवस्था संविधान में की गई है। इनको हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 124(7) में इस प्रकार की व्यवस्था की गई, न्यायाधीशों को हटाया भी जा सकता है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करना आसान है, उसको हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत ही लंबी प्रक्रिया, बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। किसी भी न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है उस विधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(7) में किया गया है। और इसको हटाने की जो व्यवस्था है उसको कहते हैं महाभियोग की जैसी प्रक्रिया को लाना पड़ता है। महाभियोग की जैसी प्रक्रिया, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रकार न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव में प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है और वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यानी कि चाहे लोकसभा में रखें चाहे राज्यसभा में रखें, न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो प्रस्ताव है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, पहली बात। साथ ही साथ इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 100 सदस्य सहमत होना जरूरी है, 100 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले 14 दिन से पूर्व
संबंधित न्यायाधीश को बताना पड़ेगा आपको कि हम उसको हटाने जा रहे हैं। संबंधित न्यायाधीश को सूचना देना अनिवार्य है, 14 दिन पूर्व संबंधित न्यायाधीश को सूचना देनी पड़ेगी। संबंधित न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार होगा, संबंधित न्यायाधीश जो होगा उसको अपना पद रखने का अधिकार है। यदि सदन जो भी हाउस है यानी लोकसभा राज्यसभा अपने जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से उस बिल को पास कर देते हैं और उसी वरीयता क्रम में अगला हाउस भी उसको पास कर देता, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायाधीश है उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया थी, न्यायाधीशों को हटाना हो गया, सब कुछ अपने पिछले वाले वीडियो में जान चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ठीक है रिवीजन। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, क्या क्या उसके क्वेश्चन आंसर है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अधिक वीडियो के लिए आप जो पुरानी वीडियो हैं 4 वीडियो उनको देखें और समझें। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। तो आपको भी अभी मैंने बताया अनुच्छेद 124(7), अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन होगा। और इसमें जो न्यायाधीश हैं वो 1+7 होंगे, इस बात का उल्लेख है। वर्तमान में 1+30 यानी कि 31 न्यायाधीश है। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश यानी CJI है वो कौन है, वो अरविंद बोबड़े हैं। वर्तमान में CJI जो है वो अरविंद बोबड़े है, ये क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बताया गया संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें जो और न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में यानी कि अनुच्छेद 24, 25, 26, 27 इस प्रकार अनुच्छेद 48 तक सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 148 तक न्यायपालिका की बात की गई है। तो ये सारे जो अनुच्छेद 124 से लेकर 148 तक सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है, आपका अगला प्रश्न है। न्यायाधीश बनने की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है, या आप इसको यूं कर लीजिए मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या हो सकती है, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दोनों के लिए काम में आ जाएगी आपके ये। तो पहली जो शर्त है आपको पता है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। दूसरी, दो शर्तें होनी चाहिए, इन दो शर्तों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, अगर CJI बनाना है तो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश बनाना तो न्यायाधीश रह चुका हो। तीस, या हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, उस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, नज़र में कानून का ज्ञाता हो। उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ये दो शर्तें उसके पास होनी चाहिए, इन दो शर्तों को पूरा उसको करना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कौन कौन से ऐसे हैं जो उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में बात करते हैं
ये आपका क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या विशेष अधिकार दिया गया है। पहला प्रारंभिकीय अधिकार, प्रारंभिक अधिकार, या इसको अपीलीय अधिकार भी कहते हैं, या इसको हम अपीलीय अधिकार भी कहते हैं या मूल अधिकार भी कहते हैं। अपीलीय अधिकार अलग है, प्रारंभिक अधिकार, इस जो प्रारंभिक अधिकार ये क्या है, ये ऐसे मामले हैं जिनमें केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकते हैं। ये ऐसे मामले कौन कौन से होंगे, ऐसे मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। तो ऐसे मामले कौन कौन से हैं, जैसे उपराष्ट्रपति के संबंध में हो, या राष्ट्रपति के संबंध में कोई मामला हो, या जो राज्य केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद हो, केंद्र राज्य के संबंध में, या दो राज्यों के बीच के संबंध का मामला हो, दो राज्यों के बीच की बात हो, ये सारे जो मामले हैं इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में होगी। अपीलीय अधिकार क्या, अपीलीय अधिकार में जो है, अपीलीय अधिकार में अगला अधिकार है, इसमें जो अपील है वो उसके सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील का नाम से पता चलता है कि अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार, अपील करना, अपीलीय मतलब अपील करना, अपीलीय अधिकार किसी व्यक्ति को अगर हाईकोर्ट तक अगर न्याय नहीं मिलता है तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं अपीलीय अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उसे हाईकोर्ट से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उस सर्टिफिकेट के माध्यम से वो संबंधित मुकदमे की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में करवा सकता है। अपीलीय अधिकार हो गया। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय का जो अगला राइट है वो है रेस्परेंस के रूप में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख के रूप में भी काम करता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख के रूप में एक अभिलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में कैसे हैं, कोई भी मामला इस प्रकार का आ जाता है जो अब तक का हो, फर्स्ट मामला है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसे मामले को रेफरेंस के रूप पर, संदर्भ के रूप में उसको रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड रूम बनाया गया कोर्ट में, जहाँ पे क्या है, जो भी कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये कार्य है सर्वोच्च न्यायालय के जो विशेषाधिकार हैं। चौथा जो है वो है न्यायिक अधिकार, यानी कि जाँच संबंधी अधिकार, जाँच संबंधी अधिकार, जाँच संबंधी जो मामले हैं, जाँच संबंधी कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायाधीशों के संबंध में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना हो या हाई कोर्ट के जजों को हटाना हो, तो ऐसे में उनकी जाँच करने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, यानी कि न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो भी कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो भी जिस जज को हटाया गया, उस जज पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी, उन कमेटी की जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। अगला जो कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का वो है पांचवा, मूल अधिकारों की रक्षा करना, मूल अधिकारों की रक्षा। हमने ये जो क्वेश्चन है आपको ये इस प्रकार से इसलिए लिए क्योंकि इसमें आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। तो मूल अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय पांच प्रकार की याचिका जारी करते हैं। अपने मूल अधिकारियों में पढ़ा, पांच प्रकार की याचिकाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। जो अगला और अंतिम कार्य सर्वोच्च न्यायालय का, अंतिम तो नहीं कह सकते अपने इस वीडियो में, अंतिम कार्य है राष्ट्रपति को परामर्श देना, राष्ट्रपति को परामर्श, यानी कि राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति भी क्या, सर्वोच्च न्यायालय को समय समय पर परामर्श देते रहते हैं। तो इन दोनों, ये दोनों जो अपने आप को परामर्श देते हैं, ये परामर्श कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को क्या परामर्श दिया या सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपने इस वीडियो में देखें, ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कुछ क्वेश्चन थे। इस पार्ट का ये अंतिम वीडियो है, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो चार पिछले वाले वीडियो उनको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या मुझे जो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वाले वीडियो में। जो हमारा अगला वाला वीडियो है वो समानता और स्वतंत्रता के नाम से, वो ये वीडियो आपको उसमें मैं नहीं दिखूंगा और वो वॉइस रिकॉर्डेड वीडियो होगा, तो उस वीडियो को आप ढंग से समझने का प्रयास करें। कोई भी अगर बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।